हेलो एवरीवन आई होप आप सब ठीक होंगे आज का वीडियो लाया हूँ प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केटिंग का सिलेबस जो बीकॉम को न्यू एजुकेशन पॉलिसी टू ट्वेंटी वन में जो सिलेबस आया है बीकॉम को फर्स्ट सेम के लिए जिसमें आपको एक सब्जेक्ट डाला है जिसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग वो आपको मैं पूरा चैप्टर समझाऊँगा चैप्टर्स में क्या पढ़ना, क्या पढ़ना है क्या क्या नहीं सारा समझाऊँगा मैंने इसलिए पीछे वीडियोज़ में फाइनेंशियल अकाउंटिंग और मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट ये दोनों का सिलेबस भी दे दिया है बीकॉम फर्स्ट साम का आप लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ आप जाकर देख लीजिए प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केटिंग में आपको टोटल फाइव चैप्टर्स है आपको फाइव चैप्टर्स पढ़ना है एक सम के लिए चलिए फर्स्ट चैप्टर से शुरू करते हैं फर्स्ट चैप्टर है इंट्रोडक्शन इंट्रोडक्शन में आपको पढ़ना है नेचर उसके बाद स्कोप इम्पॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग कॉन्सेप्ट एंड अप्रोचेज ऑफ मार्केटिंग एवोल्यूशन ऑफ मार्केटिंग सेलिंग वेस मार्केटिंग डिफरेंस सेलिंग और मार्केटिंग का डिफरेंस बताना है मार्केटिंग एनवायरमेंट में कॉन्सेप्ट मार्केट इन्वायरमेंट का इंपॉर्टेंस माइक्रो एंड माइक्रो एन्वायरमेंट मार्केटिंग मैनेजमेंट में मीनिंग एंड इम्पॉर्टेंस ये आपका फर्स्ट चैप्टर जिसमें इंट्रोडक्शन ऑफ मार्केटिंग आपको पढ़ना है स्क्रीन ले लीजिए सेकेंड चैप्टर है कंज्यूमर बिहेवियर एंड सेगमेंटेशन जब लास्ट ईयर था तो सिर्फ सेकेंड चैप्टर मार्केट सेगमेंटेशन ही था कंज्यूमर बिहेवियर आपके ऐड किया है जिसमें कंज्यूमर बिहेवियर में आपको नेचर एंड इम्पोर्टेंस कंज्यूमर बाइंग डिसीजन प्रोसेस फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर इतना आपको कंज्यूमर बिहेवियर में पढ़ना है अब मार्केट सेगमेंटेशन में आपको कॉन्सेप्ट इम्पॉर्टेंस एंड बेसिस प्रोडक्ट डिफ्रेंशिएशन वैस मार्केट सेगमेंटेशन मार्केटिंग मिक्स है आपको उसमें से आपको प्रोडक्ट प्राइस प्लेस एंड प्रमोशन फोर पीस आपको पढ़ना है ये था सेकेंड चैप्टर थर्ड चैप्टर है प्रोडक्ट एंड प्राइजिंग ये लास्ट ईयर बोल तो प्रोडक्ट एक लेसन था और प्राइज एक अलग लेसन था ये दोनों आपके एक ही में कंबाइन करके डाला है एक ही चैप्टर में दोनों टॉपिक्स हूँ प्रोडक्ट में आपको पढ़ना है कॉन्सेप्ट एंड इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोडक्ट प्रोडक्ट क्लासिफिकेशन कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोडक्ट मिक्स उसके बाद आपको ब्रांडिंग पैकेजिंग एंड लेबलिंग के बारे में पढ़ना है उसके बाद प्रोडक्ट लाइफ साइकिल न्यू न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस ईजी है चैप्टर कुछ हार्ड नहीं है उसके बाद प्राइजिंग जो हर एक टॉपिक है आपका प्राइजिंग प्राइजिंग में आपको पढ़ना है सिग्निफिकेंस सिग्निफिकेंस मतलब इंपॉर्टेंस फैक्टर्स अफेक्टिंग प्राइजिंग ऑफ अ प्रोडक्ट प्राइजिंग पॉलिसीज एंड स्ट्रैटेजीज प्राइजिंग में बहुत कम टॉपिक डाला है बट मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा आपका जो लेसन रहेगा इसमें ही आएगा जो ये ज़्यादा मार्क्स कम प्रोडक्ट लाइफ साइकिल और न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस इसमें से दोनों में से आपको कई सा भी कंपलसरी फिक्स क्वेश्चन आएगा दोनों में से ये बात याद रख लीजिए फोर्थ चैप्टर है प्रमोशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन प्रमोशन में आपको पढ़ना है नेचर एंड इम्पोर्टेंस ऑफ प्रमोशन कम्युनिकेशन प्रोसेस टाइप्स ऑफ प्रमोशन टाइप्स ऑफ प्रमोशन में आपको एडवर्टाइजमेंट्स पर्सनल सेलिंग पब्लिक रिलेशन एंड सेल्स प्रमोशन एंड देर डिस्टिंग कैरेक्टर्स सबके सबके फीचर्स एंड कैरेक्ट्रिस्टिक्स पढ़ना है आपको उसके बाद प्रमोशन मिक्स एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग प्रमोशन मिक्स डिसीजनस ये आपको सिर्फ प्रमोशन का पढ़ना पढ़ा अभी डिस्ट्रीब्यूशन को पढ़ा रहा बता रहा हूँ आपको डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स में आपको डिस्ट्रीब्यूशन चैनल एंड फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन उसमें आपको चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन के मीनिंग एंड टाइप्स पढ़ मीनिंग एंड इंपॉर्टेंस पढ़ना है टाइप्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स फैक्टर्स अफेक्टिंग चॉइस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन लॉजिस्टिक्स का मीनिंग टाइप्स एंड इट्स रोल इन मार्केटिंग इतना सब पढ़ना है आपको फोर्थ चैप्टर में फोर्थ चैप्टर बड़ा है म आप समझ के पढ़ लिया तो ईजी है आपके लिए लास्ट है रिसेंट डेवलपमेंट्स इन मार्केटिंग ये लास्ट ईयर भी था इसमें कुछ टॉपिक्स ऐड किए गए हैं सोशल मार्केटिंग फर्स्ट टॉपिक सेकेंड टॉपिक ऑर्नल मार्केटिंग थर्ड टॉपिक डायरेक्ट मार्केटिंग उसके बाद सर्विस मार्केटिंग उसके बाद ग्रीन मार्केटिंग ये सब था लास्ट ईयर भी सर्च इंजन मार्केटिंग गूगल जो सर्च करते हैं हम उसकी मार्केटिंग ये आपके साल ऐड हुआ मोबाइल मार्केटिंग सोशल मीडिया मार्केटिंग ये भी कैसा लास्ट ईयर था ईमेल मार्केटिंग मार्किटिंग ऐड हुआ है वीडियो लाइव वीडियो स्ट्रीमिंग मार्केटिंग ये भी आपका ऐड हुआ है नेटवर्क मार्केटिंग ये भी आपको ऐड हुआ है लास्ट ईयर सिर्फ फोर या फाइव टॉपिक्स थे आपके नाइन टेन टॉपिक्स दिया है रिसेंट डेवलपमेंट्स मार्केटिंग में ये आपके फाइव चैप्टर्स थे आपको समझ में आ गया होगा कौन सा कौन है बोल के ऐसे ही मेरे वीडियोस आते रहेंगे कॉमर्स रिलेटेड आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक भी कर दीजिए थैंक यू